मैंने नूर भाई से देखा है कि अगर तो आप चैनल सब्सक्राइब करवाएंगे यहाँ के स्टाफ से तो मेरी तरफ से बोतल फ्री है आपको। डन ठीक है, मैं खुद ही करवाता हूँ, आप मुझे। जी तो गुड मॉर्निंग गाइस, कैसे हैं आप सब? ठीक हैं और वेलकम बैक टू माय चैनल। आज नेक्स्ट डे जो कि हम लास्ट व्लॉग में आपने देखा था, जैसे हम लाहौर आए हैं ऑफिस के काम के लिए, और ये कि अभी आज अभी उठे हैं थोड़ी देर पहले, रेडी शेडी हो गए हैं, और ये कि दूसरा थोड़ा सा चेंज है, आपको मैं दिखाता हूँ, हमारा रूम चेंज हो चुका है, क्योंकि जहाँ पर लास्ट डे किया था वो रूम थोड़ा बिजी बुक था, वन नाइट हम स्टे मिल गया था, लेकिन नेक्स्ट जो स्टेज है हमारे सारे यहाँ पे इसी रूम में होंगे। मैं पहले सबसे पहले तो आपको रूम विजिट करवाता हूँ आज। तो सबसे पहले तो ये डोर है, यहाँ से एंट्रेंस होती है। अब मैं डोर के पास जाऊँ अगर तो एंटर होते सबसे पहले एक टीवी लगा है, यहाँ पे दो चेयर्स हैं, इसमें फ्रिज भी हमें छोटी सी मिली है जो कि लास्ट रूम में नहीं थी, ये दो बेड हैं, और ये नॉर्मली जो यहाँ पे ड्रेसिंग टेबल वगैरह फर्नीचर सारा वही जैसे पहले था। तो लेकिन ये कि ये रूम थोड़ा कलरफुल लग रहा है मुझे, क्योंकि ये हमें कर्टन जो है रेड मिल गए हैं, पहले ये था कि वाइट थे सारे, तो इसमें रूम में तो पेंटिंग भी लगी हमारे जो कि अच्छी फ्लावर और पॉट की पेंटिंग है। उसके बाद ये कि बस सिंपल सा रूम है, तो हमें तो इशू नहीं बेशक उस रूम में रखें या इस रूम में, बाकी लेकिन ये कि जितने भी स्टेज आगे होंगे हमारे वो सारे यहाँ पे ही होंगे। और सबसे अच्छी बात ये होगी कि मैं यहाँ पे स्विच मिल गया बिल्कुल हमारे बेड के साथ ही, तो अब एक्सटेंशन वाले रोले ख़त्म हो गए। तो अभी बाहर आके जस्ट वेट कर रहे हैं कि अपनी गाड़ी का, और मुझे लगता है गाड़ी वाला ठोकर करवा गया मैं, क्योंकि उसने मैं ठोकर भी लेके जाना था, यहाँ भी ठोकर करवा गया। टाइम तो ऊपर जो आ रहा है वो कह रहे हो गए हैं, अब आया नहीं, और अब 9 बज गए, मैं यहाँ पे भी जाकर अपने नाश्ता करना है, फिर वहाँ से जाना है। तो जो मैंने कल आपसे कहा था कि हम 11 बजे जाया करेंगे, मुझे लग रहा था ये नाश्ते के लिए हम पहले ही अपने मेन स्पॉट से यानी कि ऑफिस से पहले उतर गए हैं, क्योंकि हमने यहाँ पे नाश्ता करना था, और अभी हम जाते हैं नाश्ते के लिए। आज पता नहीं हमें कहाँ जाना है हमने, लेकिन ये था कि बर्गर वगैरह से हमारा माइंड पूरा हो गया था तंग, तो हमने कहा यार अब कोई ट्राई करते हैं कोई देसी, तो हलवापुरी देखते कर यहाँ पे आसपास काफ़ी है स्पॉट इंडियन स्वीट्स जो के है, हम यहाँ पे आ गए, और ये कि यहाँ पे हलवापुरी अच्छी मेरे ख्याल से मिल जाएगी, तो फिर हम यहाँ जाकर आराम से बैठते हैं और खाते हैं। आगे टाइप इन्होंने हमें दिया है, और ये के बीच में साथ हलवा भी है, चने भी और पूरियाँ भी हैं, साथ हमने लस्सी ऑर्डर की है, तो ये हल्का सा नाश्ता करके हैवी सा निकलते हैं। तो फाइनली हम अब आ गए हैं ऑफिस के बिल्कुल पास, वहाँ से असल में हम बैठ के ना अभी लोकल ही आए हैं, मतलब जानगाड़ी पे आए हैं यहाँ पे, क्योंकि सीधा रोड भी जहाँ से हमने नाश्ता किया उसके बिल्कुल सीधा रोड भी था ऑफिस, तो अभी जाते हैं ऑफिस काम करते हैं, फिर शाम को निकलते हैं। लंच हमारा नॉर्मली आजकल ऑफिस में ही हो रहा है, इसलिए क्योंकि शाम हो जाती है उसके बाद फिर हम शाम को निकलेंगे, तो फिर आगे का प्लान देखते हैं। यहाँ पे अभी लंच का टाइम हो गया है ऑफिस में, और उन्होंने आज हमें कहा कि यार आप बाहर तो बड़ा खर्चा करते हैं, इसे चाहिए कि आपको यहाँ भी ना बिरयानी मंगवा देते हैं। तो नूर भाई इनको वेट नहीं किया, स्टार्ट कर दी उन्होंने बड़ी, क्योंकि इन्होंने सुबह के बस हलवा पूरी खाई है, अभी 1 बज गया, 4 घंटे हो गए हैं, तो मैं भी स्टार्ट करता हूँ उसके बाद काम। उसके बाद फिर जो महाराज का प्लान वो ये कि शाम को हम कराची जाएंगे, बाकी कराची जाके कराची बिरयानी की बात हो रही है, तो कराची बिरयानी जाके मिलते हैं आप। तो यहाँ से हो गए हम बिल्कुल फ्री, और टाइम हो चुका है 6:30 का, और यहाँ से हम निकलने लगे हैं वापस करोला मंगवा लिया आज, तो आज हम करोला में जाएंगे वापस, और ये कि 6:30 बजे यहाँ से निकल रहे हैं, 7 बजे तक वहाँ पहुँच जाएंगे। इस तरह के पता है मेरे थंबनेल लगा था आपका सही, तो आगे जाके फिर होटल में मिलते हैं। आज फिर नूर भाई निकल रहे हैं, गायब हो रहे हैं, जाते कहाँ हैं रोज मुझे नहीं पता, सही चीज नहीं, मैंने कहा अपने काम के लिए जाते हैं, दर्शकों को सही चीज करनी चाहिए। आई एम ऑफ टू शौकत खाना। हाँ बेसिकली इनके चाचू हॉस्पिटल में एडमिट है, तो आप भी सब उनके लिए दुआ वैसे करें कि वो जल्दी ठीक हो जाए, हम भी करते हैं, और बाकी ये उनके पास ही जा रहे हैं, और उनको टाइम दे के फिर ये वहाँ पे आएंगे मेरे पास आज हम डिनर, फिर आगे कुछ अपना देखेंगे। हेलो जी, तो आगे जाके मिलते हैं आपको। हेलो जी, वी आर बैक करोला। तो हमारी गाड़ी काफी आगे चली गई थी, अभी हम पीछे खड़े हैं इधर, और ये है कि दोबारा वापस बुलाया उसको, पीछे आ रहा है, देखें अब आ भी रोंगी रहा है, हमारे चक्रों में कहीं भी ना फंस जाए।
तो अभी जाते हैं वापस अपने रूम में। और ये कि नूर भाई अगेन चले गए हैं। तो अभी फाइनली हम निकलने लगे वापस डिनर करने के लिए। नूर भाई आ गए हैं और जस्ट यहाँ से निकल रहे हैं 9:45 बजे डिनर के लिए। अब जाके देखते हैं क्या होता है। आज हम बेसिकली ओपोजिट साइड पे जाएंगे, जहाँ पे हम नॉर्मली जिस रोड पे जाते हैं ना, हम जाते हैं अपने होटल से लेफ्ट होके। तो आज हम सोच रहे हैं कि राइट साइड पे जाके देखें कि वहाँ पे क्या क्या स्पॉट्स हैं। जो भी न्यू ट्राई कर रहे हैं, इतना खास नहीं हो रहा, यहाँ पे पैसे वेस्ट हो रहे हैं, लेकिन हमें कौन सा पहले पता है। तो यहाँ पे जो जो एरिया में है वहाँ पे जा सकते हैं। और ये कि आज कुछ नई जगह पे ना दूसरी साइड पे जाके देखते हैं। तो फाइनली हम निकल पड़े हैं आवारागर्दी करने टैलेंट हंट के लिए। और अब ये ना पूछना कि वो क्या होता है। गाइस अभी हम खाना खाने जा रहे हैं और देखें, होप सो कि आज अच्छा ही निकले, क्योंकि काफ़ी दिन से हम बिल्कुल बेकार फिर के जा रहे हैं। तो आज इस उम्मीद में फिर निकले हैं किसी दूसरी शॉप पे। सच हर रोज़ हम न्यू शॉप पे जाते हैं और वहाँ भी हमें टेस्ट पसंद नहीं आता, लेकिन आज उम्मीद है कि कुछ अच्छा देख के हम पहले फिरपुर के फिर जा के फाइनल करेंगे। तो लेट्स सी क्या होता है आगे। जी गाइस अभी खाने के लिए आ गए हम नूर भाई की चॉइस पे अगेन। रेस्टोरेंट का नाम क्या है वैसे? जैक एंड जिल। तो ये कैफे काफ़ी चलने के बाद तकरीबन 10 किलोमीटर हम चल गए हैं। हम बहुत चल गए हैं लेकिन रेस्टोरेंट नहीं चल रहा। किसी को ऐसे नहीं कहते यार। तो अभी ऑर्डर दे दिया है, ऑर्डर आज स्पेशल दिया है नूर भाई ने, जिसमें एक बर्गर करवाया उन्होंने, पिज़्ज़ा दी, ड्रिंक वो पहले ले आए हैं। देखने में पानी लग रहा होगा लेकिन ये है ड्रिंक्स हैं। और 15-20 मिनट हो गए हैं, पिक्चर वगैरह खींच ली सारी यहाँ पे नूर भाई के लिए। और अभी जस्ट जो आने का वेट कर रहे हैं कि ऑर्डर आए, तो उसके बाद खाएं और चलें यहाँ से। 10 तो बज गए ना मेरे ख्याल, 10:30 हो गए हैं, तो फिर 11:30-12:30 तक वापस चले जाएंगे होटल। तो हमारा ऑर्डर आ चुका है, जिसमें हमने एक डबल डेकर बर्गर करवाया था और साथ फ्राइज़ हैं एज़ यूजुअल, साथ केचप, और एक छोटा सा हमने पिज़्ज़ा ट्राई करने के लिए मंगवाया था, साथ कोल्ड ड्रिंक्स तो आए ही चलें। तो ट्राई करते हैं आज, देखते हैं, होप के इनका टेस्ट एटलीस्ट अच्छा होगा। पिज़्ज़ा हमने खा के देख लिया, पिज़्ज़े का टेस्ट तो अच्छा काफ़ी। अब मेरे ख्याल से बर्गर उठाते हैं तो ताकि ठंडा होगा इसका टेस्ट, मेरा मुझे लगता नहीं कि आना है। साथ में डिप्स आ गई हमारी है ना, तो इसको ट्राई करते हैं फिलहाल बर्गर को। अभी कुछ न्यू ट्राई करने के लिए हम मिलेंगे पिज़्ज़ा का स्लाइस, थोड़ी सी लगाएंगे इसमें ये फ्राइज, साथ में ये चिली केचप, ये नॉर्मल केचप, और ये सॉस, ये बना के इसको ट्राई करते हैं आज हम। ये मैं खा रहा हूँ यार, ये कैसे खा रहे, आई डोंट नो व्हाई, मैं आज काफ़ी फुल हो गया हूँ एकदम से, अभी मुझसे ये ख़त्म नहीं हुआ। और इधर भी पिज़्ज़े के पीस पड़े हैं लेकिन बाकी हम पैक करवा लेंगे। ये नहीं है, ये मंगवा दो। आहा बहुत चंगा ना, मैं प्लीज बताते हैं आपको मंगवाना है, फ्री भी नहीं। वहाँ से जाते हुए हम पकड़े ले जाएंगे अपने रिफ्रेशमेंट के लिए। यार कट। तो मैंने नूर भाई से देखा है कि अगर तो आप चैनल सब्सक्राइब करवाएंगे यहाँ के स्टाफ से, तो मेरी तरफ से बोतल फ्री है आपको। डन, ठीक है, मैं खुद ही करवाता हूँ, आप मुझे। तो हम फाइनली खाए अपना खाना वहाँ से और डिनर काफी। भाई ये लाकर आए मुझे इस साइड जा रहे यार, शुगर लग गया ना भाई, तो काफी फुल हो गए हम। और ये कि आज जो बच्चा हमने पैक करवा लिया है, क्योंकि हमसे मजीद फ्रेंड्स जा रहा है और अच्छी प्राइस पे अच्छा पैकेज है। क्या था जैक एंड जिल? जैक एंड जिल तो भाई मुझे खुदा ही किस्मत से बता रहा है, जैक एंड जिल जोहर टाउन में है। अगर तो आप लाहौर से हैं तो यू मस्ट। अब नहीं कभी नहीं, मैं नहीं, चलो आगे जाकर बताते हैं, कभी रहना। फाइनली हम अपने होटल में आ चुके हैं और जैसा कि आपको सुबह बताया था कि रूम हमारा चेंज हुआ है, तो फर्स्ट फ्लोर पे हो गया, पहले हम बेसमेंट में थे। तो ये सारा यहाँ पे गोइंग है, मतलब ये सारा रास्ता है, यहाँ जाके हमारा ये रूम आता है। आए हाय इतना ठंडा है बाहर, गर्मी से मत बचिए। तो अभी मेरा ख्याल है कि वीडियो को करते हैं एंड। होटल में अभी आ गए हैं, नींद काफ़ी आ रही है एकदम से, खा पी लिया, टाइम भी काफ़ी हो गया है। तो सुबह मेरे ख्याल से हम निकल रहे हैं घर को वापस, सिर्फ एक दिन के लिए, क्योंकि बीच में वीकेंड आ गए हैं। और नेक्स्ट डे के दोबारा आएंगे मंडे से यहाँ पे, फिर पूरा वीक हम यहाँ पे ही हैं, फिर किसी और जगह जाना हमने,
तो मेरे ख्याल से स्टे भी कहीं और होगा, तो लेट्स सी। बाकी अभी वीडियो को करते हैं एंड, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो आप लाइक लाजमी कर देना, चैनल पे नहीं तो सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय।